गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आपणी धोरण 5 विषय हिंदी में अभ्यास करीशू। विद्यार्थी मित्रों, गया वीडियो में आपणे त्रीजू जे काव्य छे नन्ना मुन्ना राही हूँ ते काव्य संपूर्ण स्पष्ट रीते तेनी समझूती मेळवी हती। आजे पाना नंबर 15 पर आपेलू अभ्यास आपणे जोईशू। अभ्यासनो पेलो प्रश्न छे, उत्तर दीजिए। अहीं आपणे 4 प्रश्नों जे आपेला छे तेना सविस्तार जवाबो तमारे नोटबुक में लखवाना रहेशे। तो प्रश्न बाद हूँ तेनो जवाब बोलीश, तमारे ते ध्यानथी सांभळवानुं छे अने एने नोटबुक में लखवानुं छे, बराबर छे। तो काव्यनी अंदरथी ज आ 4 प्रश्नों आपवामां आवेला छे, जेमां पहेलो प्रश्न छे, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो, बराबर छे। एवा काम कोई बताओ तमारे कहेवाना छे जे तमे देश माटे करी शको छो अथवा करी रह्या छो। जवाब आवशे, देश सेवा के लिए मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर एक नंबर। बीजू आवशे, मैं अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं बिजली का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं कचरा कूड़ेदान में ही डालूंगा, मैं पानी की बचत करूंगा, मैं वृक्षों को कटने से बचाऊंगा, मैं बड़ों का आदर करूंगा, बराबर छी। हवे आटला जे कार्यो छे ते तमे देश सेवा माटे करी शको छो अथवा करी रह्या छो। आगलना प्रश्नोनो जवाब आपणे जोईशुं। पहला प्रश्न जोईए, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। जवाब आवशे, अगर मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता, दुश्मनों को मार भगाता। अगर मैं सिपाही होता तो देश की रक्षा करता, दुश्मनों को मार भगाता, बराबर छे। आटलो जवाब आवशे। त्रीजा नंबरनो प्रश्न, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा, बराबर छे। जवाब आवशे, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि मैं देश के लिए कुछ मदद कर सका, आज मेरा जीवन सफल हो गया। फरी एक बार ध्यान थी सांभळो, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। जवाब आवशे, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि मैं देश के लिए कुछ मदद कर सका, आज मेरा जीवन सफल हो गया, बराबर। अहीं त्रीजा नंबरना प्रश्नोनो जवाब पूर्ण थाय छे। आगलो प्रश्न, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो विद्यार्थी मित्रों,
जवाब आवशे हमारे राष्ट्रध्वज में तीन रंग के पट्टे है। तमे राष्ट्रध्वज जोयो हशे एमां त्रण रंगना पट्टाओ होय छे, जोयो छे ने? तो जवाब आवशे हमारे राष्ट्रध्वज में तीन रंग के पट्टे है, इसलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में तीन रंग के पट्टे है, इसलिए इसे हम तिरंगा कहते हैं। एटलू लख्या बाद तमारे आगळ लखवानू छे केसरी रंग, पछी से डेस करीने एनो अर्थ लखवानो। केसरी रंगनो अर्थ, केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, जो हमारे अंदर देशभक्ति जगाता है। तो केसरी रंगनो अर्थ थयो। बीजो रंग कयो छे? सफेद रंग। तो सफेद रंग में लखो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, जो देश की शांति का सूचक है। त्रीजू छे हरा रंग। त्रीजो रंग कयो होय? हरा रंग। तो हरा रंग देश की हरियाली का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि दर्शाता है। ख्याल आयो दरेक ने? फरी एक बार ध्यान थी सांभळी लो, आपणा राष्ट्रध्वजनी अंदर त्रण रंगो छे, त्रण रंगना पट्टा छे, एटले एने त्रिरंगो कहेवाय छे। ए त्रण रंग कया कया छे? केसरी, सफेद अने लीलो। हिंदी में कहेवाय केसरी, सफेद और हरा। तीन रंग है, बराबर? तीन रंग के पट्टे है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिरंगा कहा जाता है। हवे त्रणे रंगोना अर्थ छे, तो फरी एक बार ध्यान थी सांभळो। केसरी रंग, केसरी रंग किसका प्रतीक है? वीरता का। केसरी रंग लखी एनी सामे डेस करीने लखो केसरी रंग वीरता का प्रतीक है, जो हमारे अंदर देशभक्ति जगाता है। एना पछी बीजो रंग लखो सफेद रंग, तेनी अंदर लखो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, जो देश की शांति का सूचक है, बराबर छे? तेना पछी हरा रंग, तेनी अंदर लखो हरा रंग देश की हरियाली का प्रतीक है, जो देश की समृद्धि दर्शाता है। अहीं त्रणे रंगोना अर्थ मैं तमने कीधा, तमारे तेने लखवाना छे, बराबर छे? हवे आपणे पाना नंबर 16 काढो दरेक, एनी अंदर प्रश्न नंबर 2 ध्यानथी सांभळो। इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब, बराबर? अहीं आपने चार वाक्यों आपेला छे, चारे चार वाक्यों मां बच्चे छे एनो अर्थ तमारे लखवानो छे के बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, बराबर? तब क्या होगा? दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, तब क्या होगा? बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, बराबर? तब क्या होगा? धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तब क्या होगा? एटले कि बाळक जे कही रह्यो छे कि हूँ आ कामों करीश, एना कारणे देश में शू काम थशे आगळ, तेना लीधे शू सारू कार्य थशे, ते आपणे लखवानुं छे। तो ध्यानथी सांभळो अने लखो। तो पहलू छे एमां जोईए आपणे, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तब क्या होगा? तब हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी, क्या होगा? फसल अच्छी होगी। तो
देश के लिए ये अच्छा काम होगा। बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तब हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। बराबर छे, दिखाई छे दरेक ने बराबर। आगर जोइए, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा? सारे विश्व में शांति होगी। क्या होगा? सारे विश्व में शांति होगी। बराबर छे। आगर लो जोइए आपणे त्रीजु वाक्य, बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। अगर बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो क्या होगा? वह अवश्य मंजिल तक पहुंच जाएगा। बराबर छे। वह अवश्य मंजिल तक पहुंच जाएगा। बराबर छे। आगलू जो ये आपड़े, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो क्या होगा? आगे ही आगे मंजिल तक पहुंच पाएगा। कौन? बच्चा। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो हम यानी कि बच्चा आगे ही आगे मंजिल तक पहुंच पाएगा। आ तो आ चारे चार वाक्य जे छे ते तमारे लखी काढ़वाना छे। बराबर। अहीं आगळ आपणे हवे जोईए।